Welcome back to the 100 Cases. In this video, we will talk about the case of. Welcome back to the 100 Cases. In this video, we will talk about the case of Oceanic Navigation Company versus Sundar Das and misrepresentation. तो misrepresentation करने के तीन तरीके होते हैं. Unwarranted statement, जिसका मतलब कि आप किसी को ऐसी बात बताएं जो आपको भरोसा हो कि वो सच है लेकिन वो सच ना हो. Breach of duty, कि आपके पास वो duty हो करने के लिए लेकिन आप वो duty ना करें. For example, मेरी दुकान है और मुझे ये बताना चाहिए किसी आदमी को कि इस चीज से हाथ कट सकता है और अगर मैं ये चीज नहीं बताता हूँ उसको तो ये मेरी breach of duty है. और जो तीसरा है वो है inducing someone by facts. ये फॉल करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की कैटेगरी में. तो यही तीन तरीके होते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन करने के और इस केस में इन तीनों में से कोई एक तरीका हुआ है और मैं इस केस के एंड में पूछूंगा और आपको पता लग जाएगा कि इन तीनों में से कौन से तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है इस केस में. तो इस केस में क्या होता है कि जो प्लेंटिफ होते हैं वो एक अपनी शिप चार्टर कराने जाते हैं किसी कंपनी के पास और वो उनसे ये कहते हैं कि मुझे एक शिप चाहिए अपना सामान भेजने के लिए. तो जो डिफेंडेंट होते हैं वो उनसे कहते हैं कि हाँ एक शिप है उसमें 2800 टनेज रजिस्टर है. जिसका मतलब कि टनेज रजिस्टर का मतलब होता है कि वो स्पेस जो कि जो इंजन और उसके जो वर्कर्स हैं उसके द्वारा ऑक्यूपाइड है और उन्होंने बोला कि ये 2800 है. बट इन रियलिटी जब वो शिप आई तो ये पता लगता है कि उस शिप में 3000 टनेज रजिस्टर है. और फिर पेटिशन लेके चले गए कोर्ट में. वो ये कहते हैं कि उनको इस शिप की चार्टर नहीं चाहिए अब क्योंकि उनके संग मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है. और वहीं दूसरी तरफ जो डिफेंडेंट होते हैं वो ये कहते हैं कि इस केस में पेटिशनर ने ब्रीच किया है अपना कॉन्ट्रैक्ट. तो फिर कोर्ट इस केस में ये कहता है कि जो पेटिशनर है उनके संग एक्चुअल में मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है क्योंकि 2000 टनेज रजिस्टर इज अ बिग स्पेस. ओके, तो इसलिए कोर्ट इस केस में ये कहता है कि जो पेटिशनर हैं उनके लिए ये केस वॉइडेबल है क्योंकि उनके संग मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है. भले ही डिफेंडेंट की इंटेंशन नहीं थी बट एट द एंड मिस रिप्रेजेंटेशन तो हुआ है. तो इस केस में आपको क्या लगता है कि कौन सा बेसिस लगना चाहिए, अनवारंटेड स्टेटमेंट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी या फिर इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर? तो और आपको इसका आंसर सब्सक्राइबर बटन के नीचे मिल जाएगा. तो इस केस में बस इतना ही. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.